हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेशित क्षेत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका एसआई मात्रक, इसका सूत्र, इसकी विमा और इसके लिए जो है अलग अलग क्या कंडीशन होती है, उसको सबको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सबसे ऊपर पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या इसकी अन्य एक और परिभाषा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। इसका ऐसे मात्रक जो है न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है, यानी कि एन एम स्क्वायर अपन सी होता है। और विद्युत फ्लक्स की विमा जो है एम वन एल थ्री टी की घात माइनस थ्री ए की घात माइनस वन होती है। और इसका सूत्र क्या होता है, जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल एस है से पारित विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जहाँ ई क्या है विद्युत क्षेत्र और एस क्या है क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट एस, डॉट लगाएंगे तो क्या आएगा, ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं, अलग अलग केस में विद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। जब कोई भी है क्षेत्रफल जो है कोई भी पृष्ठ इस प्रकार से हो और विद्युत क्षेत्र जो रेखा है इस तरह से जाती हो, तो इसके लंबवत जो है क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वो भी जो है इसके लंबवत इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तब विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण जो है 0 डिग्री होगा, तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अगर कॉस 0 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम में आएगा विद्युत फ्लक्स ई एस। और जब इस प्रकार से कोई भी क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत इस प्रकार से होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी, तो इन दोनों का मध्य कोण 90 डिग्री बनेगा और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स जो है मिनिमम आएगा 0 डिग्री। अब केस थर्ड में इस प्रकार से अगर कोई है तो इसके लंबवत जो है क्षेत्रफल सदिश तो इस प्रकार से होगा और जो कोण इस प्रकार से होगा, तो इनके मध्य जो कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो सामान्य स्थिति होगी तो फाई ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स आएगा ई एस कॉस थीटा। और इस प्रकार से क्षेत्रफल जो है इस प्रकार से कोई अनियमित सतह है तो वहाँ पर जो है हम क्या लेंगे, कोई भी अल्प जो है क्षेत्रफल लेंगे डी एस, वो इस पूरे क्षेत्रफल का अल्पांश होगा। और इसलिए जो हम क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश अल्पांश लेंगे डी एस, तो इनके मध्य कोण बनेगा थीटा। तो अब अनियमित सतह के लिए जो अल्पांश फ्लक्स लेंगे तो वहाँ पर डी फाई अल्पांश फ्लक्स होगा और जो यहाँ पर ई डी एस आएगा क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पर कॉस थीटा। अब अल्पांश के लिए डी फाई क्या होगा, अल्प फ्लक्स होगा, तो वहाँ पर डॉट लगाएंगे तो ये कॉस थीटा हट जाएगा, तो ई डॉट डी एस होगा। अब इस संपूर्ण जो है जो अनियमित क्षेत्रफल है इसके लिए जब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो टोटल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, डी फाई समाकलन ई डॉट डी एस समाकलन, ठीक है। अब जो केस नंबर 5 क्या होगा, यहाँ पर कोई धनावेश है तो यहाँ पर निर्गत फ्लक्स, यानी कि यहाँ से कोई भी फ्लक्स निकल रहा है तो निर्गत फ्लक्स तो होता है पॉजिटिव, और जो आगत फ्लक्स यानी कोई भी फ्लक्स आ रहा है तो वह होता है नेगेटिव। तो ये था विद्युत फ्लक्स इसकी परिभाषा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह से नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। आगे मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।